हम दोनों परम भैया के रूम के बाहर वेट कर रहे हैं, और एक्चुअली करण बहुत डरा हुआ है जब से उसे पता चला है कि परम भैया ऐसे बिहेव कर रहे हैं भाभी बेबी के साथ और अजीब तरह से अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं. तो ही इज़ वेरी वरीड अबाउट देम, एंड ऑब्वियसली उसे नींद नहीं आ रही है. तो मुनामी सजेस्ट करती कि क्यों ना भाभी को तुम सच बता दो कि तुम ही करण हो, एंड यू नो शी विल अंडरस्टैंड, एंड उनको पूरी स्टोरी सुनाओगे तो वो समझ जाएंगी एंड ऑल दैट. तो अभी उसी बात पे मुनामी डिस्कशन कर रही थी, तभी करण को ये रिंग दिखाई देता है, और इस रिंग से फिर उसे याद आ जाता है कि वो कुछ बीच में छोड़ के चला गया था, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है. बस आई थिंक एक एपिसोड बाद. हाँ, ऐसा कोई बात तो नहीं है, मतलब दिस इज़ लाइक ये तो ऑब्वियसली करण जाने से पहले मुनामी को देकर गया था, उसकी माँ की रिंग है तो उसके लिए बहुत स्पेशल है, और वो बिना पहनाए मुनामी को चला गया. और इस मुनामी के साथ ये रिंग इसने काफ़ी हेल्प भी किया मुनामी को, यू नो, अपने उन दिनों के जो जो ट्रॉमा था, जो स्ट्रगल था, जो बदला लेना था, उस वो जो डिटर्मिनेशन चाहिए था, उसके लिए बहुत हेल्प भी किया ये रिंग मुनामी को. सो नाउ अब इसे एक्चुअली पहनाने का वक्त आ गया है. Gracias.